स्वागत है सभी का। और आज हम लोग 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं और आज लेक्चर 5 देखते हैं। लेक्चर 5 आज देखते हैं। लेक्चर 4 में आपका SHE था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और लेक्चर 5 में आज हम लोग देखेंगे, बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन आज हम लोग स्टडी करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टाइटल लेक्चर 5 के अंतर्गत। सबसे पहले आज पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना आपको जरूरी है, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। पहले ये जानना जरूरी है कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले इस चीज को आप जानिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस सभी को पता होगा कि धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक रेजिस्टेंस से ही एक प्रतिरोधकता आप पढ़े होंगे, इसी से संबंधित प्रतिरोधकता, रेस्टिटिविटी। ये प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, आप मैट्रिक में पढ़े होंगे। पहले इन बातों को आप समझिए ये सब क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहा जाता है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे कहा जाता है। अब कुछ एक इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को समझ लीजिए कि R बराबर प्रोपोर्शनल को हटा के लिखते हैं रो एल बाई ए। इस इक्वेशन को सभी कोई जानते होंगे जो मैट्रिक में पढ़े होंगे कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है, उस चालक तार के लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है, और उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से ये R क्या है, पहले सारी बातों को समझ लीजिए उसके बाद हम टाइटल स्टार्ट करेंगे। तो R पहले, तो R क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, मतलब प्रतिरोध हो गया। और उसके बाद देखिए रो क्या है, यही है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता। अब ध्यान दीजिएगा, अब एल क्या है, तो चालक तार की लंबाई है, ठीक है। और उसके बाद ए क्या है, ये है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए सारी बातों को आप समझते चलिए। देखिए आर क्या है, रेजिस्टेंस, और एल क्या है, लंबाई, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अभी रो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रो। अब ये समीकरण आया कहां से, इस बात को भी आप समझिए। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब लंबाई पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, क्लियर। उसके बाद किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसका उल्टा होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, सारी बात को आप समझते चलिए। पहले ये देखिए, ऊपर से कट दिए, यहां से कट हो गया, तो यही हो गया एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो यहां से निकल कर आता है R प्रोपोर्शनल L बाई A। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको रो बोलते हैं, L बाई A। तो यहां से इस इक्वेशन को हम लिखे हैं, तो देखिए यहां पर R इक्वल टू रो L बाई A। तो R क्या है, रेजिस्टेंस है, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी आप बोल सकते हैं। एल क्या है, लंबाई है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्लियर हो गया। अब बात को समझिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है, जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। अगर इसी समीकरण को हम ले ले ए, ठीक है, इस समीकरण को क्या ले हम, ए ले। अभी देखिए मैं टाइटल स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी ये बेसिक बातों को समझ लीजिए, उसके बाद टाइटल पे स्टार्ट करेंगे, मोलर चालकता से स्टार्ट करेंगे। देखिए अब यहां पर देखिए, अगर टाइटल अभी मैं दूं तो टाइटल देने के बाद फिर हमको डिफिनेशन लिखना पड़ जाएगा, इसलिए पहले डिफिनेशन लिखने से पहले किन किन बातों को जानना जरूरी है, पहले ये चीज समझ लीजिए।
तो अगर बैल दुर्घटनी चालक, तो ये अभी चालकों के बारे में हम डिफिनेशन देखेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो बेसिक क्लास दिया गया था लेक्चर वन में वो आप लोग देखे होंगे, तो वहां देखे होंगे वैद्युत अवघट्य, वैद्युत अवघट्य या वैद्युत अवघटने चालकत्व, वहां पर देखे होंगे वैद्युत अवघटने चालकता भी उसको पढ़े होंगे आप। तो चालकत्व क्या होता है, एक नया वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो उस वर्ड को हम इस समीकरण से निकालने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद भी आपको डिफिनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा, सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिफिनेशन जो परिभाषा होता है वो समीकरण से ही बनता है, जनरली ऐसा देखा गया है, तो पहले उस परिभाषा का जो मूल शब्द है वो जान लेते हैं। तो ये R बराबर रो एल बाई ए, ये सबको समझ में आ गया होगा, चले आगे। चलिए देखिए, ए ये अगर समीकरण हो गया R इक्वल टू रो एल बाई ए, रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध जिसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, और एल क्या हो गया लंबाई, और ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि इसी समीकरण को प्लट दिया जाए, इस समीकरण को क्या कर दिया जाए, प्लट दिया जाए, तो देखिए इस समीकरण को प्लट दिया जाए तो 1 बाई आर हो जाएगा, ठीक है, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर 1 बाई रो हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस समीकरण के बारे में देखिए, अब ये 1 बाई, ये 1 बाई आर कहलाएगा जी, ठीक है, और 1 बाई रो कहलाएगा के, इसको के नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कप्पा, क्या पढ़ते हैं कप्पा, कप्पा क्या बोलते हैं कप्पा, और यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और एल आपका लंबाई है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अलग अलग कर लूं कि 1 बाई आर हो गया जी, तब ये जी क्या कहलाता है, देखिए ध्यान से, जी कहलाता है चालकत्व, चालकत्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्ट टेंस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 बाई रो, 1 बाई रो होता है, 1 बाई रो को बोलते हैं के, और के होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इन बातों को पहले आप जानिए। हम समीकरण को क्या किए यहां पर प्लट दिए हैं, देखिए आर था तो 1 बाई आर हो गया, रो था तो 1 बाई रो हो गया, और एल बाई ए था तो ए बाई एल हो गया, और जी देखिए 1 बाई आर को क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे, और 1 बाई रो को क्या बोलेंगे, 1 बाई रो को बोलेंगे के, तो के इसको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको कप्पा पढ़ना है, और जी क्या हो गया, जी हो गया चालकत्व, और ये के क्या हो गया, ये हो गया विशिष्ट चालकता। अभी मैं टाइटल स्टार्ट कर रहा हूं, पहले इसको रफ करके, देखिए यहां पर एक पॉइंट छूट रहा है, पहले उसको पूरा कर लेते हैं। ये है आपका जो कप्पा है, कप्पा कटप्पा नहीं पढ़ना है, कप्पा है, और ये चालकता है, ठीक है, ये चालकता है, तो किसके व्युत्क्रम हो गया, ये रो के व्युत्क्रम, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम हो गया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है आपको कपा। एक और पॉइंट छूट रहा है, मैं यहां पर कर दे रहा हूं कि ये क्या होता है, ठीक है, ए बाई एल क्या होता है, एल बाई ए क्या होता है, ठीक है, तो एल बाई ए, देखिए एल क्या है आपका, एल है आपका लंबाई, ठीक है, अच्छा तो समझिए, और ए क्या है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखिए लंबाई बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है एल बाई ए, सेल स्थिरांक होता है, सेल स्थिरांक, और देखिए ध्यान से, और सेल स्थिरांक को जी स्टार से सूचित किया जाता है, तो इसका मतलब कि एल बाई ए इक्वल टू जी स्टार होता है, एक फॉर्मूला निकल गया नया, ठीक है। अभी हमने देखा, देखिए 1 बाई आर को तो जी बोल रहे थे, ठीक, और यहां देखिए 1 बाई रो, 1 बाई रो को क्या बोले, के बोले कप्पा, और यहां पर ध्यान दीजिएगा एल बाई ए को बोल रहे हैं, ए बाई एल को नहीं,
एल बाई ए को बोल रहे हैं क्या, जी स्टार बोल रहे हैं। इसका मतलब देखिए, अगर यहाँ ए बाई एल को अगर बात करेंगे, अगर ए बाई एल की अगर यहाँ बात करेंगे तो वन बाई क्या हो जाएगा, वन बाई जी स्टार हो जाएगा। इसी चीज को तो समझना है। अब यहां पर देखिए एक नया एक्सप्रेशन आपको निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ जी हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए वन बाई रो के हो गया, अच्छा समझिए। अब ए बाई एल देखिए, ए बाई एल क्या हो गया, वन बाई जी स्टार। तो यहां से के का अलग वैल्यू निकल जाएगा, जी इंटू जी स्टार। पहले बात को समझ लीजिए, अभी तुरंत मैं टाइटल स्टार्ट करने वाला हूँ इसका, लेकिन टाइटल स्टार्ट करने से पहले अभी आप क्या क्या पढ़े वो चीज को समझ लीजिए। प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। और उसके बाद आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का जो है दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो वहां से किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, सबको पता होगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वन बाई ए हो जाएगा। अब इस दोनों समीकरण को कंबाइन करते हैं तो एल बाई ए आता है, और इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ से रो निकल कर आता है। क्या निकल के आएगा, रो। और इसी रो को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो अब ये समीकरण में मैं दर्शा दिया हूँ कि आर क्या है, प्रतिरोध है, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, अब एल क्या है, लंबाई है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी समीकरण को अगर ए मान लिए हैं तो इस समीकरण को यदि आप पलटते हैं तो इस समीकरण को पलटने के बाद देखिए इस प्रकार का रूप आ जाएगा। तो वन बाई आर आ जाएगा, और इस रो को पलटेंगे तो वन बाई रो हो जाएगा, और एल बाई ए को पलटेंगे तो ए बाई एल हो जाएगा। तब यहाँ वन बाई आर को बोलते हैं जी। तो जी क्या कहलाता है, चालक तो कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम डिफिनेशन अपने से आप लिखिए, नोट खुद तैयार कीजिए, वेट मत कीजिए कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ नोट मिलेगा। देखिए यहाँ पर वन बाई आर इसका मतलब हो गया प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालक तो कहते हैं, जिसे जी से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए वन बाई रो को क्या बोलते हैं, कप्पा। तो वन बाई रो देखिये, वन बाई रो को क्या बोलते हैं, कप्पा। और कप्पा को क्या बोलते हैं, चालकता, कंडक्टिविटी। तो अब यहाँ इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, जिसे कप्पा से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए कि एल क्या है, तो एल है लंबाई और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए एल क्या है, लंबाई, और ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एल बाई ए क्या होता है, अगर दोनों का रेशियो सेल स्थिरांक कहलाता है। तो सेल स्थिरांक का कैसे डिफिनेशन देंगे, अनुप्रस्थ लंबाई, किसी तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, और सेल स्थिरांक को जी स्टार से सूचित करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, एल बाई ए जी स्टार हो गया। अब यहाँ पर ए बाई एल है, अगर इस समीकरण से अगर आगे आप एक्स्ट्रा प्लॉटिंग इक्वेशन को करना चाहते हैं तो ए बाई एल, और यहाँ है एल बाई ए, तो इसको ए बाई एल के टर्म में लाएंगे, तो ए बाई एल के टर्म में ले आए, तो ए बाई एल के टर्म में लाए, तो यहाँ पर अगर प्लॉट दिए तो इधर भी प्लॉटना होगा वन बाई जी स्टार। अब इस समीकरण का इस्तेमाल देखिए यहाँ कर दिए हैं, तो वन बाई आर तो जी, वन बाई रो के मतलब कप्पा, उसके बाद देखिए ए बाई एल, तो ए बाई एल मतलब वन बाई जी स्टार, तो वन बाई जी स्टार। कप्पा को थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे कप्पा को अलग करेंगे तो जी इंटू जी स्टार मिल जाएगा। तो जी क्या कहलाएगा, चालकत्व, और जी स्टार क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक। अब ये क्या कहलाएगा, चालकता। तो चलिए यहां पर लिख लीजिए चालकता, और ये जी क्या कहलाया, चालकत्व, और ये जी स्टार क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक। तो पहले बेसिक बातें हैं आज के वीडियो के कंटेंट को समझने के लिए। तो आज के वीडियो का पहला कंटेंट यहां पर रख रहे हैं, पहले इसको मिटाते हैं। चलिए बोर्ड फ्रेश हो चुका है, अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले अभी चालकत्व के बारे में देखा हमने, चालकता के बारे में देखा, अब विलयन के लिए चालकता का यदि आपको डिफिनेशन देना होगा तो कैसे देंगे, अभी देखिए। तो पहला टाइटल रखते हैं, अच्छा पहले चालकत्व को एक बार फिर से समझा देते हैं।
चालकत्व, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस समझ लीजिए। कंडक्टेंस क्या है? विशिष्ट, क्या विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे? नहीं, केवल प्रतिरोध बोलना है आपको। क्या बोलना है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? चालकत्व कहेंगे। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो गया? चालकत्व। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि चालकता पढ़ाकर उसके बाद सभी का मात्रक जो है उस स्लाइड में वहां पर डाल। तो पहले आप देखिए, हम चालकता पढ़ने वाले हैं। चालकता मिलियन के लिए कैसे आप डिफाइन करेंगे? कंडक्टिविटी। देखिए, विलयन के लिए यदि आपको चालकता को परिभाषित करना है, चालकता बताना है कि वैद्युत अवघट्य के लिए चालकता क्या, तो वैद्युत अवघट्य आपको पता होना चाहिए। पहले वैद्युत अवघट्य, तो वैद्युत अवघट्य क्या होता है ये जानिए। तो वैद्युत अवघट्य पढ़ चुके हैं, दो प्रकार से होता है। एक प्रबल होता है और एक क्या होता है? दुर्बल होता है। एक प्रबल होता है और दूसरा क्या होता है? दुर्बल होता है। अब ध्यान दीजिए, एक प्रबल और दुर्बल। तो वैद्युत अवघट्य होता क्या है? तो वैद्युत अवघट्य लवण भी हो सकता है, या अम्ल भी हो सकता है, या क्षार भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। मतलब जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अवघट्य कहते हैं। और धारा कितने तरीका से प्राप्त किया जा सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से किया जा सकता है, और नहीं तो फिर मुक्त आयन के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, हम लोग डेनियल सेल में जो धारा प्राप्त कर रहे थे, किससे कर रहे थे? वो मुक्त आयन के द्वारा कर रहे थे। हम लोग वैद्युत अवघट्य ले रहे थे, ZnSO4 क्या है? वैद्युत अवघट्य था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि चालकता को कैसे डिफाइन करेंगे। अब पहले एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। देखिए, एक वैद्युत अवघट्य ले लिए यहाँ पर। अब ध्यान देना है कि वैद्युत अवघट्य का कंसेंट्रेशन आपको कितना लेना है। तो कंसेंट्रेशन लेना है 1 मोल। कंसेंट्रेशन क्या लेना है? 1 मोल। और यहां पर आप 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है। देखिए, 2 इलेक्ट्रोड यहां पर डाल दिए। ए आपका एनोड हो गया और ये आपका हो गया कैथोड। एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। ये आपका माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस हो गया। और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। और एरिया की अगर बात करें कि इस इलेक्ट्रोड की एरिया कितना है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, तो वह होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना कंडीशन को फॉलो करते हुए जो विलयन का चालकत्व तो आएगा, जो सोल्यूशन का कंडक्टेंस आएगा, वह चालकता के बराबर होगा। जितना भी चालकत्व आएगा विलयन के, उसे ही हम लोग बोलेंगे चालकता। लेकिन पहले डिफिनेशन की बात करेंगे। इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। यदि 1 मोल, यदि 1 मोल वैद्युत अवघट्य, चलिए इधर से आप देख लीजिए, डूबे वैद्युत अवघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर हो। तथा देखिए, तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। देखिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां, और 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन का चालकत्व, किसके बराबर होगा? क्या कहलाएगा? चालकता कहलाता है, या चालकता के बराबर होता है, बराबर होता है।
क्लियर है। अब देखिए कैसे बराबर होता है, पहले डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि वन मोल वैद्युतक घट, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वन मोल होगा, उसके बाद डूबे हुए इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब डूबा हुआ जो इलेक्ट्रोड है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, मतलब इनके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपने मीटर स्क्वायर रखा तो यहाँ पर भी मीटर रखना होगा, समझ बता रही है, यहाँ पर अगर मीटर स्क्वायर रखती है तो यहाँ पर भी मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन का चालकत्व जो आएगा, जो कंडक्टेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, चालकता, उसे चालकता भी आप कह सकते हैं या उस चालकता के बराबर होगा। तो देखिए कैसे होगा, तो अभी आर बराबर एक समीकरण हम लाए थे यहाँ पे, रो एल बाई ए, इस समीकरण का इस्तेमाल अभी तुरंत किया गया था। अब देखिए आर, आर को ऐसे रहने दीजिए अभी आप, और रो को भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब एल का मान आपने कितना लिया है, लंबाई का दूरी कितना लिए हैं हम दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, 1 लिए हैं, और देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपने कितना रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, रो। अब यहां तक आप समझ लीजिए बात को, हमने क्या किया यहां पर, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, अवेल क्या है, लंबाई है, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यहां पर देखिए आर एल की लंबाई दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, तो 1 फुट कर दिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपने कितना दिया था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 रख दिए, तो आर बराबर हो। अब इसी इस ये जो कंटेंट है आपका, इस कंटेंट को यदि आप प्लट देते हैं, देखिए प्लट दिए 1 बाई आर और यहां पे 1 बाई रो हो गया, तो अब इस स्थिति का आपको दिख रहा होगा कि पिछला स्थिति जो हमने बताया था कि 1 बाई आर क्या होता है, तो 1 बाई आर होता है, 1 बाई आर होता है जी, और 1 बाई ए रो क्या होता है, क्या होता है, तो अब देखिए 1 बाई आर के बदला आप जी पुट कीजिए और 1 बाई रो के बदला आप के, मतलब कप्पा। अब डेफिनेशन को आप पढ़िए, देखिए यदि 1 मोल वैद्युतक घट में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन का चालकत्व, देखिए विलयन का चालकत्व जी से सूचित करेंगे, विलयन का चालकत्व को क्या चीज से सूचित करेंगे, जी से, तो जी को क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे या अचालकता के बराबर होता है, तो देखिये चालकता के बराबर हो गया, के आपका क्या था, चालकता, और जी आपका क्या था, चालक। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके एसआई मात्रक की, एसआई मात्रक इसका कैसे आता है।